ट्विटर पर घमासान, अंदेशक महंगाई से परेशान। अंदेशक मुद्दा महंगाई को लेकर स्पेशल खास खबर में शुरू करते हैं आज का वीडियो, चैनल के चिरपरिचित अंदाज में। सखी सैयां 233 रोज ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, पेट्रोल 250 की रोज ही पढ़वाते हैं, स्कूल तब पढ़ाऊं जाते हैं। साथी भाइयों बहनों, आज के इस खास वीडियो में हम महंगाई का मार झेल रहे दैनीय दास्तान सुना रहे हैं अंदेशक भाई बहनों की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, यहाँ पर एक ट्वीट किया है हमारी अन्वेषिका बहन माया देवी जी ने। नियुक्ति अंशकालिक और कार्य पूर्णकालिक लेना अंशकालिक अन्वेषक शिक्षकों का शोषण है। 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार 7000 रुपये में पूर्णकालिक कार्य लेकर अंशकालिक अन्वेषकों का शोषण कर रही है। इस महंगाई में इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन कर पाना मुश्किल है। अन्वेषकों के साथ न्याय करें। त्राहिमाम। साथियों, इस समय अन्वेषक परिवार में भारी संकट है। एक और ट्वीट है यहाँ पर हमारे भाई ने किया है, कमल जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल 104, 105, 100 के ऊपर निकल चुका है। सरसों तेल 200 से ऊपर निकल चुका है। रिफाइंड तेल 170 से ऊपर है। प्याज 50 से ऊपर निकल चुका है। अंशकालिक अन्वेषकों की नियुक्ति सन 2013 में 7000 में हुई थी, आज 8 वर्ष पश्चात भी अन्वेषकों का मात्र 7000 ही है। क्या करें, क्या यह सही है? साथियों, ये सवाल है हर उस अन्वेषक भाई बहन के परिवार के हर सदस्य का। क्या 7000 में हमारा जीवन यापन हो सकता है? असंभव है, ये अत्याचार क्यों? चलते हैं एक और वीडियो ट्वीट की तरफ जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शेयर किया है। और जनता नाराज इतनी है कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, ये सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में 100 से पार हो गया पेट्रोल की कीमत, बताइए हमें। आपको सबको पता है कि 100 से पार हो गया, न मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्री जी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को नहीं पता कि पेट्रोल 100 से पार हो गया लखनऊ में। सोचिए आप, हमें आपको सबको पता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी को नहीं पता कि 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो जब नहीं पता है तो ये सरकार कर क्या रही है? आपने समाजवादी पार्टी अब निकल पड़ी है सरकार बनाने के लिए और जनता नाराज इतनी है कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, ये सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में 100 से पार हो गया पेट्रोल की नहीं हो गया, बताइए हमें। आपको सबको पता है कि 100 से पार हो गया, न मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्री जी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को नहीं पता कि पेट्रोल 100 से पार हो गया लखनऊ में। सोचिए आप, हमें आपको सबको पता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी को नहीं पता कि 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो जब नहीं पता है तो ये सरकार कर क्या रही है? यही पर एक और ट्वीट आया है, देखते हैं क्या। मांगे नहीं मिली गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते। अगर किसानों की मांगे नहीं मिली गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते। साथियों, भी आपने देखा गंभीर मुद्दे महंगाई को लेकर। दोस्तों, सर्वगुण संपन्न बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्वेषकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मात्र 7000 रुपये असंवैधानिक तरीके से 2013 से अल्प मानदेय आज तक दिया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से
चल पाता है। आइए कुछ आम अंधेशकों के दर्द की दास्तां हम आपको बताते हैं। कुछ साथी भाई हमारे ऐसे हैं जो कि अपने घरों से दूर रहते हैं या घरों से उन्हें अलग कर दिया गया है, तो अपने परिवार के साथ किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। आप बता सकते हैं क्या वो 7,000 के मानदेय में दो बीवी बच्चे और इस महंगाई में, और वो भी स्कूल तक जाना, दूर दराज में स्कूल हैं उनके, पेट्रोल डलवा कर इतने महंगाई में क्या वो अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, क्या वो भविष्य का निर्माण अपने बच्चों का कर सकते हैं? असंभव है, मुश्किल है। दाल रोटी तो दूर की, नमक रोटी चलाना मुश्किल है उनका। आज की इस स्पेशल न्यूज़ में मिलते हैं किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।